नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो वोकैब के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिसको आप जानते होंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स के नाम से, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, तो बने रहेगा इस लेक्चर में। चलिए तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त से हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है, 5 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं MPSI की, MP पुलिस कांस्टेबल या फिर SSC GD, तो तीनों के ही लिए बैचेस बन रहे हैं दोस्तों सुबह 8 बजे 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हमारे ऑफिस के जो ऑफिशियल नंबर है यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं फोन करके या फिर व्हाट्सएप के द्वारा। साथ ही साथ यदि आप ऑफिशियल आप आकर विजिट करना चाहते हैं तो जो एड्रेस है वो आपके सामने है दोस्तों, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप चितावद इंदौर, ठीक। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में, चितावद के पास में हमारे अतुल एकेडमी का संस्थान है, यहाँ आके आप पूछताछ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम बात करने वाले है वोकैबुलरी की, तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो SSC GD के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि SI में भी, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के, ठीक है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं आपसे वो बात करूंगा एंटोनिम की, ठीक। तो आज जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो रहेंगे विलोम शब्द से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा वोकैब, क्या है दोस्तों वोकैब, ठीक है। चलिए तो शुरू करते आज की क्लास, ये है वोकैब। क्लियर हुई बात, वोकैब का मतलब होता है शब्दार्थ, ठीक है। तो शब्दार्थ की हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी, ठीक। तो क्वेश्चंस कई बार किस तरह से आते हैं ये मैं आपको बता दूं, कभी कभी शब्द कभी कभी एक शब्द दिया जाता है आपको और नीचे 4 ऑप्शंस, ठीक है, और बोला जाता है कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा शब्द जो क्वेश्चन में पूछा गया उस शब्द का विलोम शब्द है या फिर समानार्थी शब्द है, मतलब सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहां पर आज हम बात करेंगे एंटोनिम की, क्लियर हुई बात। तो एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है दोस्तों विलोम, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं इससे आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि क्या है। तो विलोम मतलब क्या है, एंटोनिम, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चलिए सबसे पहला शब्द आ गया है आपके सामने अबेंडन, क्या है दोस्तों अबेंडन, क्लियर हुई बात। तो अबेंडन शब्द क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक। तो अबेंडन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला क्या है फॉरगो, फिर क्या है रिनाउंस, फिर क्या है दोस्तों फिर है सरेंडर, ठीक। उसके बाद में दिया है कंटिन्यू, बात क्लियर हो गई। तो इन चारों में से जो ऊपर शब्द दिया है उसका कौन सा शब्द विलोम है वो आपको 4 ऑप्शन में से चुनाव करना है, टेक करना है। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आप सोचिए, अपने दिमाग में रख लीजिएगा ऑप्शन क्या है आपका, फिर जब मैं आपको यहां पर राइट आंसर बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक कीजिए क्या आपका दिया हुआ आंसर या जो सोचा है आपने आंसर वो सही है या नहीं, इससे आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जल्दी से। तो क्या दिया है अबेंडन, क्या होता है दोस्तों अबेंडन का मतलब, ठीक है, ये आपको देखना है, मैं तो बताऊंगा ही बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, इसके बाद में मैं आपसे इस शब्द को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसके लिए समय दे देता हूं दोस्तों मैं, आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए 20 सेकेंड है, इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम, जल्दी से 20 सेकंड में आपको सोचना है दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा। अबेंडन शब्द दिया है, इसके बाद में नीचे फॉरगो, रिनाउंस, सरेंडर और क्या है दोस्तों कंटिन्यू, ठीक। 4 ऑप्शन में एक देखना है जो उसका क्या है विलोम शब्द, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे सभी लोग, 20 सेकंड हो चुके दोस्तों, जल्दी से। तो अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्यागना, ठीक है, छोड़ना त्यागना या फिर नष्ट करना। तो देखिएगा दोस्तों छोड़ना
या फिर त्यागना छोड़ना या फिर त्यागना या फिर नष्ट करना, क्या है छोड़ना त्यागना या फिर नष्ट करना, ठीक है इस तरह से नष्ट करना इस तरह से इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है तो एक ही शब्द के दो तीन हिंदी हो सकते हैं दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए देखिएगा तो अबेंडन का मतलब छोड़ना त्यागना या फिर नष्ट करना। चलिए आगे देखो फॉरगो हो सकता है क्या, नहीं फॉरगो भी क्या है कहीं ना कहीं उससे संबंधित शब्द, रिनाउंस भी नहीं है ठीक है। फिर सरेंडर, सरेंडर मतलब समर्पण करना आत्मसमर्पण करना, उसी तरह अगर देखे तो आखिरी शब्द क्या है यहां पर, तो दोस्तों आप बोलेंगे सर कंटिन्यू है ठीक, तो राइट आंसर इज ओवर हियर क्या है कंटिन्यू। बात क्लियर हो गई, तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है लगातार, और अबेंडन मतलब छोड़ना त्यागना नष्ट करना ठीक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कंटिन्यू हो जाएगा ठीक। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम, तो मैं आज जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो क्या है दोस्तों एंटोनिम के क्वेश्चन है ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू अकम्प्लिश, दोस्तों अकम्प्लिश ठीक, ये शब्द शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान शब्द है इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अकम्प्लिश शब्द का एंटोनिम देखना है आपको, विलोम शब्द बताना है कि क्या होता है। तो दिए गए चार ऑप्शन है आपके सामने, क्या क्या है अचीव है अटेन है फिर क्या है गिव अप है और दोस्तों फिर क्या है फुलफिल है, यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, तो ये आपको देखना है यहां तक ठीक है। चलिए तो अकम्प्लिश मतलब क्या होता है ये आप सोचिए, आपके लिए समय में देता हूं दोस्तों, देखिए समय सिर्फ 20 सेकेंड दूंगा इसके लिए, कितना सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम दूंगा अकम्प्लिश के लिए। जल्दी से देखिए अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, क्या होता है अकम्प्लिश, आपको ये चीज देखनी है ठीक है। चलिए 12 सेकेंड हो चुके हैं दोस्तों, अकम्प्लिश के लिए ऑप्शन अचीव अटेन गिव अप और लास्ट में क्या है फुलफिल ठीक है। जल्दी से देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, चलिए 23 सेकेंड हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे अकम्प्लिश को, अकम्प्लिश का मतलब दोस्तों होता है पूरा करना, क्या होता है पूरा करना ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या पूरा करना ठीक है, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना या फिर पूर्ण करना ठीक है इस तरह से। अब दिए गए शब्दों में देख लो, अचीव मतलब प्राप्त करना होता है, अटेन मतलब भी प्राप्त करना होता है ना, गिव अप थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, गिव अप मतलब छोड़ना, फुलफिल मतलब भी क्या पूर्ण करना है ना इस तरह से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर गिव अप आ जाएगा ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों क्या है गिव अप है। बात क्लियर हो गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया है दोस्तों, इसमें लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री की मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या दिया है देखिएगा, तो यहां पर दिख रहा है आपको एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है ये क्वेश्चन में दिया है, इसके नीचे चार ऑप्शन है, देखना है आपको चार ऑप्शन में से इसका कौन सा विलोम शब्द है, मतलब कौन सा इसका एंटोनेम है, एंटोनेम मतलब विलोम ठीक विरुद्धार्थी शब्द। तो हाइपोथेटिकल फैक्चुअल एब्स्ट्रूस और आइडियल कौन सा आएगा देखो, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है समय शुरू होता है अब, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दूंगा 15 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से देखिएगा कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा देखिएगा ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब देखना है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है देखिएगा, चलिए 18-20 सेकंड हो गए कोई बात नहीं। एब्स्ट्रैक्ट आपने ऐसा सुना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, नाउन वाले चैप्टर में आपने अगर शब्द सुना हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा सुना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हम क्या बोलते थे भाववाचक संज्ञा ठीक है, तो यहां पर भी है, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लिखेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, क्या कहा मैंने भाववाचक, इतनी सी बात क्लियर है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है दोस्तों भाववाचक ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आप देखो हाइपोथेटिकल हो सकता है क्या, नहीं गलत जाएगा वो, फैक्चुअल हो सकता है क्या, एब्स्ट्रूस का भी मतलब क्या है समानार्थी शब्द है कहीं ना कहीं, आइडियल ठीक है, तो आइडियल भी नहीं हो सकता। चलो तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या है फैक्चुअल,
क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेस्क्यू। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेस्क्यू। ब्रेस्क्यू का मतलब क्या होता है देखिएगा, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, जल्द से जल्द आंसर देने की। सोचिएगा जब मैं आपको यहां पर राइट आंसर बताऊं, तब आप चेक कीजिए क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए तो इसके लिए समय शुरू होता है दोस्तों अब, टेक 30 सेकंड है दोस्तों इसके लिए, कितना 30 सेकंड। चलिए ब्रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो आपको सोचना है, मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी, ब्रेस्क्यू इसके ऑप्शन से ग्रेजुअल, हरिड, ब्लंट, सडन, ठीक। चलिए चार ऑप्शन आ गए हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या लिखा है। ब्रेस्क्यू ऑप्शन से इसके क्या है, ऑप्शन से दोस्तों ग्रेजुअल, हरिड, ब्लंट और सडन। तो ब्रेस्क्यू का मतलब होता है जल्दबाजी भरा या जल्दी, है ना, जल्दी या फिर जल्दबाजी भरा, जल्दबाजी भरा। क्लियर हुई बात, जल्दबाजी भरा, क्लियर। चलो तो इसके ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से चेक करेंगे राइट आंसर क्या है, देखिएगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे, हरिड मतलब भी जल्दी होता है, ब्लंट मतलब तेज होता है, ठीक है इस तरह से, सडन मतलब अचानक से, लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो तेजी की बात हो रही है, ठीक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ, जेनेरिस। जेनेरिस का मतलब क्या होता है देखिएगा, इसके लिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या है, प्लेंटीफुल, ब्यूटीफुल, एम्पल और टाइट, ठीक। जल्दी से करेंगे इसको, तो आपका समय शुरू होता है अब, इसके लिए 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों, 20 सेकंड टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया है, जेनेरिस, पहला ऑप्शन प्लेंटीफुल, फिर ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखा है, एम्पल, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों टाइट। लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, टाइट। बात क्लियर हो गई, चलो देखो जेनेरस का है, फिर प्लेंटीफुल, ब्यूटीफुल, एम्पल और टाइट, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए समय फिनिश हो गया आपका। चलिए जेनेरस का मतलब होता है प्रचुर, भरपूर, क्या होता है, प्रचुर या फिर भरपूर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रचुर या फिर भरपूर या फिर पर्याप्त भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप क्या प्लेंटीफुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेंटीफुल भी सेम है, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत मतलब अच्छा ही है कहीं ना कहीं, एम्पल भी मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों, वो क्या है आपका, वो है टाइट। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है निगेट। निगेट के लिए दोस्तों मैं आपको दूंगा 30 सेकंड, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से देखेंगे इसको, जल्दी से देखेंगे दोस्तों कि इसका इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। चलिए तो निगेट मतलब क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है, निगेट जल्दी से देखेंगे, 14 सेकंड हो चुके, 14 सेकंड जल्दी से आप इसको देखेंगे कि क्या है, ठीक है। चलो 30 सेकंड, 24 सेकंड हो चुके, ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन में क्या क्या है, इनवैलिडेट है, कैंसिल है, एस्टैब्लिश है, एनुअल है। चलो टाइम ओवर, अब देखिएगा इनवैलिडेट हो सकता है क्या, निगेट है ना, इसको नहीं बताऊंगा, बहुत आसान शब्द है ये, आप ही को देखना है। चलो निगेट, इनवैलिडेट, कैंसिल, एस्टैब्लिश, तो इसका आ जाएगा दोस्तों एस्टैब्लिश, क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो आप बोलेंगे सर यहां पर राइट आंसर क्या है, एस्टैब्लिश, ठीक है, स्थापित करना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था ये। फिर है मोरोनिक। मोरोनिक का मतलब क्या होता है देखिए, मोरोनिक के लिए ऑप्शंस आपके सामने है, एब्सर्ड, रैशनल, सिली, इनसेन, ठीक। चेक करेंगे जल्दी से अपने आंसर्स को, कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब, इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। व्यापम वाले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में भी यदि लेवल बढ़ता है, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में बात करूं या फिर कोई और एग्जाम्स भी व्यापम का जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहां पर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको आपकी एक्यूरेसी चेक करनी है, कितने आंसर्स आप दे पा रहे हैं सही सही, ठीक है। चलिए और SSC GD के लिए आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम एक या दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, ठीक। चलिए 30 सेकंड हो गए, तो मोरोनिक है ना, मोरोनिक का मतलब क्या होता है, बेतुका हो सकता है, ठीक है। तो मोरोनिक मतलब क्या, बेतुका है ना, व्यर्थ, जो भी है, निरर्थक, ठीक। तो एब्सर्ड,
रैशनल, सिली, इनसेन, क्या हो सकता है? तो देखो मोरोनिक मतलब क्या है, बेतुका, ठीक है, बेतुका या फिर निरर्थक, क्लियर हुई बात? चलो फिर क्या है, एब्सर्ड मतलब भी वही होता है, रैशनल थोड़ा सा अलग जा रहा है, सिली इनसेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रैशनल मतलब काम का या फिर महत्वपूर्ण, ऐसा इसका अर्थ है। आगे बढ़े तो राइट आंसर क्या है, रैशनल। अगले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक, कोशिश कीजिए इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की, आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको समय दूंगा 30 सेकंड का, इसके लिए समय कितना है 30 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, अक्यूमुलेट, ऑप्शंस इसके क्या है, स्कैटर, अमास, फिर क्या है, कलेक्ट और गार्नर, ठीक है। चलो तो इसको देखना है, इस शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, एंटोनेम बताना है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा इसका एंटोनेम है, एंटोनेम बोले तो विलोम शब्द, क्लियर हुई बात? जिन्हें नहीं पता वो सुन लीजिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आप यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए 30 सेकंड का समय खत्म हो चुका है आपका, आइए हम बात करते हैं आगे, ठीक। तो अक्यूमुलेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, है ना, अक्यूमुलेट मतलब क्या है दोस्तों, तो संचय करना, ठीक, संचय करना, बात क्लियर हो गई, अक्यूमुलेट मतलब संचय करना, ठीक, मतलब इकट्ठा करना, सीधी सी बात है, एकत्रित करना मतलब क्या है, अक्यूमुलेट। फिर क्या है, स्कैटर हो सकता है क्या, अमास मतलब भी इकट्ठा है बहुत ज्यादा मात्रा में, कलेक्ट मतलब एकत्रित करना, गार्नर का भी मतलब वही है, तो एक ही ऑप्शन बचा है वो क्या है, स्कैटर, छिन्न भिन्न करना, अलग करना, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, पहला वाला, आठवें का पहला, अब अक्यूमुलेट मतलब संचय करना, स्कैटर मतलब बिखरना, अलग अलग करना, छिन्न भिन्न करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक। चलो तो प्रिसिशन, प्रिसिशन का मतलब क्या है, देखिए, ठीक, इसके ऑप्शन देखिएगा, वेरेसिटी, ब्राइटनेस, करेक्ट और एरर, ठीक, जल्दी से चेक करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक, इसके लिए ऑप्शन भी आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए आंसर सही आ जाए आपके, आपको अपना 100% देना है, ठीक। चलिए के लिए 30 सेकंड का समय आपके पास, कितना 30 सेकंड। प्रिसिशन जल्दी से चेक करेंगे क्या होता है इसका मतलब, सोचिए, दिमाग पर प्रेशर दीजिए, ठीक है, जिस इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक लेवल वाली वोकैब मैं आपके सामने लेके आया हूं, एक लेवल वाले क्वेश्चन से ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, एसएससी जीडी में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वोकैब का भी एक लेवल होता है, ऐसा नहीं एक वोकैब होती, बहुत हाई लेवल के शब्द होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ उससे भी लोअर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह के कुछ शब्द मैं लाया हूं आपके लिए, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप समझ पाए कि किस तरह की वोकैब हमारे पास होना चाहिए, क्लियर। चलिए तो यहां पर बात करते हैं प्रिसिशन की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों शुद्धता, क्या, शुद्धता, बात क्लियर हो गई, इसका मतलब क्या है, शुद्धता, ठीक है। चलिए तो इसका अर्थ समझ में आ गया आपको, इसका अर्थ क्या है, शुद्धता, मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक। अब अगर इसका मतलब शुद्धता है तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, वेरेसिटी हो सकता है क्या, नहीं, ये भी वही है, ठीक, ब्राइटनेस ये भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है किससे, प्रिसिशन से, फिर करेक्ट हो सकता है क्या, नहीं, ये भी सिनोनिम है, अगर हम इसको देखें लास्ट में एरर को, तो ये आपका क्या है, इसका एंटोनिम है, एरर का मतलब क्या है, गलती होना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट बहुत आसान शब्द है, न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो यहां आपको ये शब्द समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इनक्रिमिनेट का एंटोनिम आपको चेक करना है कि दिए गए शब्दों में से, दिए गए ऑप्शंस में से इनक्रिमिनेट का एंटोनिम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो अलेज हो सकता है क्या, इंडिक्ट, डिफेंड, चार्ज, इनमें से कौन सा है, जल्दी से चेक करेंगे दोस्तों, इनक्रिमिनेट, अलेज, इंडिक्ट और डिफेंड, और दोस्तों क्या है आखिरी ऑप्शन, चार्ज है, ठीक है। तो जल्दी से इसके लिए आप चेक करेंगे और आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब, इसके लिए 30 सेकंड दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इजी है ये, ठीक, और अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, 30 सेकंड बहुत होते हैं।
ठीक है। तो इंक्रिमिनेट दोस्तों आपके सामने शब्द आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, इनक्रिमिनेट का आपको एंटोनेम बताना है चार में से, अलेज, इंडेक्ट, डिफेंड, चार्ज, क्या होगा चेक कीजिएगा। ठीक है, व्यापम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस लेवल की वॉकैब आ सकती है संभावना में। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें से ही आएगा, मैं आपको कहीं ना कहीं एक लेवल बताने की बात कर रहा हूं कि आपको किस लेवल की वॉकैब पढ़नी है। चलिए, इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है समझिएगा दोस्तों। इनक्रिमिनेट का मतलब होता है दोष लगाना, है ना, दोष लगाना, दोष लगाना, या फिर आरोप लगाना, दोष लगाना या फिर आरोप लगाना। यहां तक बात क्लियर है? तो दोष लगाना या फिर आरोप लगाना मतलब इनक्रिमिनेट। ठीक, तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है इसके, अलेज हो सकता है कि नहीं, इसका भी मतलब यही होता है। फिर क्या होगा, इंडेक्ट का भी मतलब यही है ना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, डिफेंड मतलब बचाना होता है। ठीक है, चार्ज का मतलब भी यही होता है, क्या है, आरोप ठहराना या आरोप लगाना, दोष लगाना। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहां पर, वो आ जाएगा चार्ज। क्या है चार्ज, देख लेना, जिसने जिसका जिसका चार्ज था, जिसने अपने मन में चार्ज सोचा था, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, एंटोनेम इसका क्या है, इनक्रिमिनेट का। तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्या है, चार्ज है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पायरसिंग इस शब्द को आपको देखना है और चेक करना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। टाइम देखिए, टाइम यहां पर अब आपका शुरू होता है। चलिए चेक करेंगे सभी इसको, टाइम शुरू हुआ अब, है ना, 30 सेकेंड हमको देखना है, 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो पायरसिंग का मतलब क्या होता है, ये सोचो आप जल्दी से। और श्रील, डल, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में और क्या है, शार्प है, और लास्ट क्या है, क्रूशियल। ठीक, इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, जल्दी से चेक करेंगे, श्रील, डल, शार्प और क्रूशियल, इनमें से कौन सा शब्द एंटोनिम है पायरसिंग का। ठीक, 30 सेकेंड खत्म हो चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इसके बात करते हैं। पायरसिंग का मतलब होता है तेज, है ना, क्या होता है इसका मतलब दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर तेज होता है ना, अर्थ क्या है, तेज। ठीक, ऐसा अर्थ क्या है, तेज, है ना, नुकीला, नुकीला ऐसा भी हम बोल सकते हैं इसको, है ना, तीक्ष्ण भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? चलो, श्रील, डल हो सकता है क्या, शार्प होगा, क्रूशियल, क्रूशियल का भी मतलब क्या है, कहीं ना कहीं धारदार, तेज, है ना, तीक्ष्ण, और शार्प भी वही है, बोलते ना तुम बहुत शार्प हो मतलब बहुत तेज हो। डल मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या हो, डल हो, समझ गए ना, डल मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप कम हो। ठीक, तो श्रील का मतलब भी तेज होता है। तो राइट आंसर इसका एंटोनिम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डल, ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हो गई यहां पर? ठीक, चलो, तो यहां पर हमने देखा पायरसिंग का मतलब क्या होता है, तेज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 12वें नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और समय शुरू होता है आपका अब। चलिए देखिएगा जल्दी से, 30 सेकेंड दूंगा इसके लिए, कितना, 30 सेकेंड, जल्दी से चेक करना है, डिसेंट, इनसफिशिएंट, इनफ, एवरेज या फिर सेटिस्फैक्टरी। ठीक, तो डिसेंट का कौन सा शब्द एंटोनिम है नीचे में से, नीचे वाले चार ऑप्शन में से। क्लियर हुई बात? चलिए देखिएगा, इनसफिशिएंट, इनफ, एवरेज या फिर सेटिस्फैक्टरी, कौन सा ऐसा ही है दोस्तों, चेक कीजिए। ठीक है, चल सेकेंड हो चुके। डिसेंट बहुत आसान शब्द है, ठीक है, बहुत आसान है ये, इसमें किसी भी तरह से क्या है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, डिसेंट मतलब क्या है, ठीक ठाक है। ठीक, इनफ हो सकता है क्या, एवरेज हो सकता है, सेटिस्फैक्टरी हो सकता है क्या। ठीक, तो चारों नीचे वाले बी, सी और डी को अगर हम देखें तो क्या है, ये हो सकते है क्या, चेक करो जल्दी से। ठीक, किस किस के आंसर आ गए, जल्दी से मैं आंसर बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान है ये, हिंदी बताने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट शब्द हम कई बार, हजारों बार बोलते हैं या सुनते हैं। ठीक है, बहुत इजी शब्द है ये। तो एवरेज औसत होता है, इनफ पर्याप्त होता है,
सेटिस्फैक्टरी को अगर हम देखें तो क्या है, संतुष्टि कहीं ना कहीं हमें पता चलती है इस शब्द से, ठीक है। तो सेटिस्फैक्टरी मतलब संतुष्टदायक, ठीक है, या संतुष्टि ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एवरेज मतलब होता है औसत, इनफ मतलब पर्याप्त, ठीक है। तो इनफ का अगर हम देखें तो इनफ मतलब क्या हो जाएगा, पर्याप्त। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक। एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर औसत होता है, किसका मतलब, एवरेज का, ठीक। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतुष्टि या फिर संतुष्ट, है ना, संतुष्टि ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, ठीक। चलो अब इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, अपर्याप्त, क्लियर हुई बात। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप तो साफ साफ है, तीन ऑप्शन यहां पर कैसे सिमिलर है, समानार्थी शब्द है, सिनोनिम्स है, लेकिन एक हमें चाहिए एंटोनिम। तो दिए गए ऑप्शन में से आप चेक करेंगे कौन सा है, तो साफ साफ दिख रहा है, आप बोलेंगे सर पहला वाला ही सही है, कौन सा, पहला वाला, ठीक है, इनसफिशिएंट, क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में ले चलता हूं आपको। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 13 में लिखा है एडमायर, ठीक। चलो देखिए इसके लिए समय शुरू होता है अब, ठीक है। चलिए इसके लिए बहुत आसान शब्द है ये, फिर भी कोई बात नहीं, एक मिनट का समय मैं आपको दूंगा इसके लिए, ठीक। एडमायर बहुत आसान शब्द है, सुना होगा आपने, कई बार पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में अधिकतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मैगजीन्स में भी अगर आपने देखा हो कभी, कुछ लोगों को याद हो कोई तो पता होगा, और नहीं पता कोई बात नहीं, अभी तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन यहां पर आप समय को देखिए, एक मिनट के अंदर आपको आंसर ढूंढना है, इसका सर्च करना है कौन सा ऑप्शन है। तो एडमायर के ऑप्शंस जो है, नीचे ऑप्शंस क्या है इसके, तो आप बोलेंगे रिगार्ड, रेस्पेक्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला क्या था रिगार्ड, दूसरा क्या है रेस्पेक्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों प्रेज, और लास्ट ऑप्शन क्या है ब्लेम। देख लो बहुत आसान है, अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन शब्द है ये, बहुत कॉमन वर्ड्स है, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, आपको आपका आंसर सही हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ठीक। चलिए क्या होगा, एडमायर शब्द सुनाया क्या किसी ने, 9 सेकंड और बचे, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, एक लेवल की तैयारी होनी चाहिए, ठीक, एसएससी जीडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम का और कोई एग्जाम, तो व्यापम में भी इसी तरह की वोकैबुलरी, इस लेवल की वोकैबुलरी पूछी जाती है, क्लियर हुई बात। चलिए ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है कि मैं फिर से रिपीट करूं, तो कई लोग सोचेंगे सर आपने जो पढ़ाया वो तो आया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शब्दार्थ बहुत सारे है, वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, क्या होगा दोस्तों याद रखिए, एडमायर मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना, है ना, तारीफ करना। तो हम लिखेंगे क्या, एडमायर को प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, क्लियर हुई बात, ठीक। तो एडमायर मतलब क्या है, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, बोलते ना यार वो हमेशा वो कभी हमारी तारीफ नहीं करते हैं, या फिर वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो तारीफ मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, इतनी सी बात, ठीक। दोनों एक ही शब्द है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ क्या है, एडमायर का यही है, ठीक। तो एडमायर मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, क्लियर हुई बात, ठीक। तो मैंने लिख दिया है, अब देखिए रिगार्ड का मतलब भी कहीं ना कहीं वही है, रेस्पेक्ट अगर हम देखें तो सम्मान करना होता है, रेस्पेक्ट का मतलब, ठीक है, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान करना, यह भी बहुत आसान था, सम्मान करना, सम्मान करना। फिर प्रेस मतलब भी क्या है, तारीफ करना। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या है, शब्द एक दूसरे से क्या है, सिनोनिम्स है, है ना, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द है। तो तारीफ करना, प्रेस मतलब बहुत बेसिक शब्द ही है। ब्लेम मतलब क्या, आरोप लगाना या दोष देना, दोष देना या फिर आरोप लगाना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दोष देना, ठीक। आप चेक कर लो जरा क्या है, रिगार्ड का भी मतलब वही होता है, ठीक है, रिगार्ड मतलब क्या, प्रशंसा करना, तारीफ करना, या क्या है वहां पर, आदर करना, ठीक, ऐसा है इसका मतलब। चलिए तो देख लो, तीन शब्द तो मैंने बताई दिए, पूरे नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, अगर सब कुछ लिख दूंगा तो फिर आप मेहनत क्या करेंगे, ठीक। चलिए तो चेक कीजिए अपने आंसर्स को, क्या आएगा जल्दी से बताओ, रिगार्ड आएगा, रेस्पेक्ट आएगा, प्रेस आएगा, या फिर दोस्तों
ब्लेम आएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक, तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, आ गए क्या आंसर सबके, सोच लिए सबने दिमाग में सोच लिए। चलिए मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है इसका वो है ब्लेम। क्या है ब्लेम, मतलब दोष देना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, ब्लेम। बोलते ना यार मेरे को ब्लेम मत देना, मतलब मुझे दोष मत देना, क्लियर हुई बात। तो ये शब्द भी हम कई बार बोलते हैं, तो बहुत बेसिक शब्द थे ये जो भी थे। ठीक, तो एडमायर मतलब याद रखना है दोस्तों आपको, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सैंक्शन दोस्तों, सैंक्शन ये भी बहुत आसान शब्द है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है चेक करना है आपको, जल्दी से समय में देता हूं इसके लिए भी दोस्तों, मैं आपको समय दूंगा एक मिनट का, पूरा एक मिनट का समय मैं आपको देता हूं, और आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। ठीक, तो एडमायर मतलब आपको सॉरी एडमायर मतलब प्रशंसा होता है, वो हम कर चुके। सैंक्शन को देखना है, ठीक है, बहुत बेसिक शब्द है ये, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और कोई बात नहीं यदि नहीं आता है तो मैं आपके लिए हूं यहां पर आपको बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सैंक्शन, समय शुरू हो चुका है, 20 सेकेंड हो चुके हैं आपके, ठीक है 22 हो गए हैं। तो ऑप्शन देखिए, सैंक्शन के ऑप्शन, एडॉप्ट, अफर्म, डिसऑन और पास। कौन सा शब्द दिए गए, जो शब्द हमारे पास है सैंक्शन, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उसका एंटोनेम है, मतलब विलोम शब्द बताना है। एंटोनेम का मतलब याद रखना क्या होता है, विलोम शब्द होता है, गलती मत कर देना। सिनोनेम मतलब होता है समान शब्द, सिमिलर शब्द। एंटोनेम मतलब विलोम शब्द, उल्टा शब्द उसका क्या है। 8 सेकेंड बचे, जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। तो समय हो चुका है दोस्तों आपका, देखिए सैंक्शन, ठीक है, तो सैंक्शन का मतलब क्या है। कई बार अच्छा ऐसा सुना है आपने कई बार, यार बैंक हमारा लोन सैंक्शन नहीं कर रही है ना, मैं आपके कागजात यहां से सैंक्शन कर दूंगा, मैं आपकी ये योजना यहां से सैंक्शन कर दूंगा। तो होता क्या है आखिर में, है ना, बहुत बेसिक शब्द है, सोचिए क्या होता है, कुछ पता चला क्या, नहीं पता चला कोई बात नहीं। तो सैंक्शन का मतलब याद रखो, जिसको पता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता सैंक्शन मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, राजी होना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, है ना, स्वीकार करना, राजी होना, अपनाना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 2-3 शब्द हो सकते हैं, तो डिपेंड करता हम क्या बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो स्वीकार करना, स्वीकार करना, अपनाना, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक हिंदी हो सकते हैं। अपनाना, लागू करना भी हो सकता है, ठीक है, लागू करना भी हो सकता है, ठीक है, अपना लिया उसको, हमने क्या किया, अपना लिया, चुनाव कर लिया उसका, ठीक है। चलो, तो स्वीकार करना या अपनाना, ऐसा भी हो सकता है सैंक्शन का मतलब। ठीक है, तो ये मैं सोचना सर इसका अर्थ तो ये हो सकता है, अरे भाई हो सकता है कोई बात नहीं, एक इंग्लिश शब्द के 2-3 अर्थ भी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा यहां पर गेट, है ना, तो दोस्तों गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, क्या होता है, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है। ठीक, तो गेट का मतलब प्राप्त करना, इतनी सी बात सभी को पता होगी क्योंकि बहुत बेसिक शब्द है। तो गेट मतलब मिलना या फिर प्राप्त करना, यही है। ठीक, लेकिन आप डिपेंड करता है हम गेट को यूज कैसे करते हैं, डिपेंड करता है हमारे सर्कमस्टांसिस पे, हमारे सिचुएशन पे, हम कहां पर कौन से सेंटेंस में उस शब्द का अर्थ सामने वाले को क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक, तो गेट मतलब होता है प्राप्त करना या लेना। ठीक, तो अगर मैं बोलूं आपको कि आई डिड नॉट गेट ऑफर फ्रॉम द कंपनी, आई डिड नॉट गेट द ऑफर फ्रॉम द कंपनी, तो मुझे एक कंपनी से ऑफर नहीं प्राप्त हुआ, ये बात है। लेकिन अगर मैं मान लो मैं फोन पे बात कर रहा हूं और मैंने बोला आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली, व्हाट एम आई सेइंग टू यू, आई सेड आई एम टॉकिंग ऑन द फोन एंड आई सेड आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ले नहीं पा रहा हूं या मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों सेंस के हिसाब से क्या है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं या मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्लियर हुई बात। ठीक, तो डिपेंड करता है, एक ही शब्द के अनेक हिंदी हो सकते हैं। तो यहां पर ये एग्जांपल समझाने का कारण ये था मेरा, ठीक, कि एक ही इंग्लिश वर्ड के अनेक हिंदी हो सकते हैं। ठीक, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
ठीक, तो सिचुएशन कैसी है, सर्कमस्टांसेस कैसे है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या उसको बताना चाह रहे हैं और सेंटेंस क्या बनाते हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक, मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आइए देखते हैं सैंक्शन मतलब मैंने बता दिया, एडॉप्ट हो सकता है क्या, नहीं, एडॉप्ट भी गलत है, अफर्म गलत, पास ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, डिसऑन। क्या होता है दोस्तों, डिसऑन। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ये वोकैबुलरी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, जो क्वेश्चंस में हमने आज किए हैं यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोगों ने। ठीक, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक लेवल वाले तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये एसएससी जीडी का जो लेवल है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल से मैं कुछ क्वेश्चंस को आज लेकर आया था दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, किसके, एंटोनिम के। आने वाली क्लास में हम और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक, और लेवल भी वॉकअप का आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं समझता हूं जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यदि आपको दोस्तों मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।